गाइस गुड मॉर्निंग, और आ गए हैं घर पर। रात को 4 बजे आके पहुँचे थे और अभी हम तीनों सो के उठ गए हैं। अभी 11:30 बजे सो के उठे हैं। आज मुझे लूना राइस का मन नहीं लग रहा। मेरा भी मन नहीं लग रहा है ना। और बैग पापा ने चूना लगा दिया मुझे गिफ्ट के लिए। मैं इसको आते से गिफ्ट चाहिए। इसको हमने बोला था कि 5 ईयर की होगी तो इसके बर्थडे पे इस पर 5 गिफ्ट देंगे, लेकिन पहले हमारा प्लान यही का था। फिर हम घर चले गए तो इसका बर्थडे गांव में पड़ा, तो गांव में तो कुछ मिलता नहीं है, गिफ्ट तो की दुकान नहीं है। तो अब इसको हमने बोला था बैंगलोर से दिलाएंगे, तो अभी बैंगलोर में आके पहली सुबह है इसकी। अभी सो के उठी और उठते इसने गिफ्ट की बात कर दी है। तो मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। कई दिनों में घर से आया ना तो एकदम अजीब। मुझे तो गांव में रहना। इसकी छुट्टी हो गई आज की स्कूल की। मुझे गांव में रहना है। जाओ तुम्हारी दादी के पास जाओ। तो फ्रेंड्स अभी खाना बनाऊंगी आज। और आज तो पालक पनीर खाएंगी। आज क्या बनाओगी? पालक पनीर नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, और मैं बहुत सिंपल सा खाना बनाऊंगी। क्या? आलू के पराठे बना ले, दही के साथ दही ले आएंगे। सब्जी भी नहीं है कुछ भी, मैं फ्रिज खाली करके गई थी, पूरा 15-20 दिन में खराब हो जाती है। तो सब्जी आटा भी खत्म हो रहा था, मैंने सोचा मैं आके ही मंगा लूंगी आटा। फ्रेंड्स मम्मी मुझे रोज पानी पटाना नहीं रखती खाने का पीने का, थोड़ा घर से भी मम्मी ने रख दिया था वैसी चीजें तो जो यहाँ नहीं मिलती है। और अभी देखो घर फैल रहा है पूरा। ये तो रात को आके पड़ गए थे तो पूरा इसने आते ही बुक्स वगैरह फैला दी। और ये देखिए सामान बहुत सारा हो गया था इस बार हमारा। वैसे जब आई थी तो घर तो एकदम क्लीन था क्योंकि मैं क्लीन करके गई थी, सारी खिड़कियां बंद करके गई थी, तो वैसे गंदा नहीं है। लेकिन घर से काफ़ी सारा मैं सामान लेके आई थी, खाने पीने का जो चीज़ अचार वगैरह है, जैसे कि कुछ खाने के लिए जैसे गुड़ वगैरह, वो सब यहाँ नहीं मिलता है ना। अभी थोड़ा ठंडी पड़ने लगी है और अब दिसंबर में अच्छी पड़ेगी तो गुड़ ये खाते हैं मेरे हस्बैंड ने, इनको गुड़ पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, गाड़ी भी खा लेती है, तो यहाँ पर अच्छा गुड़ नहीं मिलता। तो पापा जी की दुकान से पापा जी ने रख दिया कुछ खाने पीने का सामान जो जो यहाँ नहीं मिलता। बाजरा है थोड़ा सा, वैसे रोटी के लिए तो बाजरा कैसे लाओ क्योंकि इतना बाजरा कौन उठा के लाएगा, तो राबड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए रख दिया, मिक्सी में ही पीस के नहीं बना लो। तिली वगैरह है, अभी तिल वो आ रही है, संक्रांत आ रही है तो तिली वगैरह पता नहीं है यहाँ पे। हाँ बेटा मेरे फूक निकाल दो कलर वाली। तो ऐसे ही खाने पीने का काफी सारा सामान रख दिया पापा जी ने मम्मी ने, ये वगैरह सेट करूंगी जमाऊंगी और मैं शॉपिंग करके लाई थी वो भी सब जमाऊंगी। माँ फ्रेंड्स जब तक मैं गाँव में मासी के घर मामा के घर तब से मेरी दुकान खत्म नहीं हो रही। और है ना अभी घर फैला पड़ा है और ग्यारहवीं की जुकाम वहाँ पे सही हो गई थी, 15 दिन बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी देखना यहाँ आते ही शुरू हो जाएगी, बैंगलोर को तो इसको सूट ही नहीं हो रहा है वेदर। यहाँ आते जब से 4 महीने हम रहे थे इसको फुल टाइम जुकाम थी, और जैसे ही हम जयपुर पहुँचे इसकी जुकाम बिल्कुल ठीक हो गई थी, और 15 दिन बिल्कुल भी इसको जुकाम नहीं हुई वहाँ पे, और यहाँ आते फिर शुरू हो जाएगी इसकी जुकाम। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है, मुझे पता नहीं था आज इनकी छुट्टी है। एक्चुअली मैं इनकी छुट्टी मंडे की थी तो पोस्टपोन हो गई, वो ट्यूसडे में हो गई थी, नहीं तो हम आज ट्यूसडे की टिकट कराती हूँ आज हम यहाँ से निकलते कराते। तो इनकी छुट्टी थी, पापा की छुट्टी नहीं है, पापा की छुट्टी है बेटा आज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले किचन में आई हूँ, दूध मंगाया है आज, और ये उस दिन बर्तन धो के गई थी तो बास्केट में रखे थे, तो अभी मैं इनको लगा दे रही हूँ अपनी जगह पर, उनकी जगह पर बर्तन स्टैंड में। जाते टाइम जो पराठे बनाए थे तो थोड़े बर्तन हुए थे वो धो के बास्केट में रख गई थी, उस टाइम सूखे नहीं थे तो मैं बर्तन स्टैंड में लगा के नहीं गई थी, तो अभी पहले लगा दे रही हूँ बर्तन। और है ना मतलब इतना सा मुझे वीडियो शूट करने में 12 तो बज गए हैं, इतना आलस सा भी आ रहा था ना, लेकिन अब करना तो है ही। सामान भी सेट करना है, बाहर हॉल में पूरा फैला पड़ा। और ये रैक मैं इसको ना साइड में रख गई थी क्योंकि
ऊपर एडजस्ट लगा हुआ है ना, तो कई बार बारिश का पानी आ जाता है एडजस्ट वाली खिड़की में से, तो इस वजह से मैंने कहा पीछे से बारिश होगी तो पूरे सामान पे गिर जाएगा, तो इस वजह से मैं रैक को साइड में लगा गई थी। और ये दूध मैंने निकाल लिया है, तो दूध रख देती हूँ गर्म करने के लिए, ताकि बाकी और काम करती रहूँगी दूध गर्म हो जाएगा। और ये इस बैग में मैं खाने पीने का कुछ सामान लाई थी वहाँ से, और ये बर्तन तो जो फ्रेंड्स ये मेरे को साथियों ने दिए, दोनों साथियों ने जो करवा चौथ पे कड़कते हैं जो मैं अपनी सास को देती हूँ, ऐसे ही उन्होंने मुझे कड़क के दिए। ये भाभी, ये दोनों भाभी के भी कड़पे हुए हैं और चाचियों के भी कड़पे हुए हैं, तो अब यार मैं गई थी ना तो उन्होंने मुझे ही दे दिए सारे, मैं किसी को भी दे देती लेकिन इस बार मैं गई आएगा जिस काम से नहीं होता, मैं गई थी तो ऐसे तो दोनों चाची और भाभीियों ने दे दिए, भाभी ने दे दिया था ये। तो यहाँ ये मैं घर से अचार लेके आई थी नींबू का और कैरी का, उधर यही वाला अचार बनाते हैं नींबू और कैरी का, तो मम्मी ने ये मुझे रख दिया था गांव से अचार, क्योंकि यहाँ पर तो कैरी वगैरह मिलती नहीं है, नींबू तो शायद मिल जाता होगा और मैं कभी अचार बनाती भी नहीं हूँ। अचार लेके आई थी नींबू का और कैरी का, यहाँ हाँ मिलता है, मम्मी बनाती है तो मम्मी ने रख दिया, घी रख दिया, डिब्बा ऑफिस में बांटने के लिए लाई थी, हमारे वहाँ पे मेरे मायके में मूंग की बहुत ही फेमस है, तो ये ऑफिस के लिए लाए थे, नमकीन लाई थी और ये सब तो पापा जी ने रखे हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए दुकान से। सारे ड्राई फ्रूट्स रख दिए खाने के लिए, मामा ने रखे हैं काजू बादाम किशमिश, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं मतलब सामान डब्बों में डाल रही हूँ। दाल लेके आए थे, ये दाल ले आए थे, मुझे पता नहीं था दाल है ना, एक्चुअली यहाँ पैकेट वाली दाल आती है ना तो खाने में अच्छी लगती नहीं है, तो ये वहाँ से ले आए हैं दुकान से। पर दाल का क्या है, दाल मेरे बनती भी ज़्यादा है तो क्या होता है, वहाँ लाने से कितने दिन चलती है, लानी तो यहीं से पड़ती है, तो मैं मना कर रही थी इनको, पर पता नहीं ये क्यों ले आए दाल, तो ठीक है ले आए तो अब थोड़े बहुत दिन तो चली जाएगी ये, वहाँ की दाल अच्छी लगती है यहाँ अच्छी नहीं लगती दाल। तो ये सामान मैं डब्बों में डाल रही थी, बाजरा लेके आए थे और बाजरा राबड़ी के लिए, और गुड़ वगैरह लेके आए थे, गुड़ वगैरह यहाँ मिलता नहीं है तो फिर ले आए, तो मैंने कहा चलो मैं डब्बों में डाल देती हूँ। वैसे तो क्या होता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि इतने टाइम में हम जाते हैं तो फिर ख़रीदना तो सारा सामान यहीं से पड़ता है, तो मैं ज़्यादा कुछ वैसे लेके नहीं आती हूँ, मसाले वसाले भी है ना, जैसे हमारी चक्की है मम्मी पीस देती है, लेकिन मैं लेके नहीं आती हूँ क्योंकि कितने दिन मैं उनको यूज करूँगी, लेना तो मुझे यहीं से पड़ता है, तो बस वही मैं दो चार चीज़ें जो यहाँ नहीं मिलती है, जैसे तिली है, तिली का पता नहीं था मिलेगी या नहीं, तो अभी संक्रांति आ रही है तो घर में तिली हमारे रखी रहती है, तो पापा जी ने डाल के दे दी, तो मेरे संक्रांति का पूरा काम हो जाएगा इस तिली से, मैं घर पर ही लड्डू वड्डू बना लूँगी। गुड़ भी रख दिया है, तो गुड़ का पता नहीं मिलता भी होगा, मिलता होगा शायद गुड़ तो, तो अभी तो वही खाने वाला है ना, यहाँ वहाँ पर अच्छा आता है राजस्थान में, तो इस वजह से है ना ये खाने के लिए ले आया, लड्डू के लिए मैं यहाँ से ले आऊँगी, मिल जाएगा तो ये इसको खा लेंगे, सर्दियाँ हैं अभी 2-2.5 महीने, यहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम भी रहेगा तो ये खा लेंगे, इनको पसंद है, गर्वी को भी पसंद है, तो वही मैंने सामान पैक कर दिया। अभी तो मैंने डब्बों में डाल दिया, तिली और बाजरा भी मुझे सब साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी जब मुझे फुर्सत मिलेगी घर के कामों से, तो अभी तो मैं आई हूँ, साफ़ सफाई क्लीनिंग और रूटीन बनेगा, अभी मेरा डेली का गार्बी का भी स्कूल शुरू होगा, उसको भी पढ़ाई देखनी है, कई दिनों से वो स्कूल गई नहीं है,
तो रूटीन बन जाएगा। उसके बाद फुर्सत में मैं ना ये अब तिली है और बाजरा है ये सब है ना साफ़ करूँगी, धूप में डाल दूँगी थोड़ा सा। तिली तो मुझे धोनी पड़ेगी, धो के उसको सुखा दूँगी तो क्लीन हो जाएगी जल्दी से। तो सामान मैंने डब्बों में डाल दिया है और सेट कर दिया है रैक में अभी सामान। दूध भी ये ना गर्म हो गया है, और इधर ये मैंने सारे कपड़े जो मैंने अटैची अभी मैंने खोली नहीं है ट्रॉली, ट्रॉली में ना ज़्यादा धोने वाले कपड़े हैं नहीं, मैं धुल के डेली धुल लेती थी वहाँ कपड़े, तो ट्रॉली में तो सारे धुले हुए ही कपड़े हैं। और ट्रॉली में अभी नहीं खोलूँगी क्योंकि लेट बहुत हो जाएगा अगर मैं इनको जमाने लगी तो। बस ऊपर के जो बैग थे, दो खाने पीने वाला बैग खाली किया, और ऊपर जो हम पीछे वाले बैग जो ले गए थे वही मैंने खाली किए, तो उसमें हमारे वही 1-2 दिन के बिना धुले कपड़े थे, तो वही मैंने अभी तो मशीन में डाल दिए क्योंकि मशीन तो नहीं चलाऊँगी, मशीन में कल चलाऊँगी। और ये छोटे छोटे बैग थे और जो हमारा सामान था वही मैंने खाली किया है। और ये इधर चादर वादर घड़ी कर रहे हैं बेडरूम में, तो मैंने बैग में जो अपना डेली का सामान था ब्रश वगैरह और अपना किट वगैरह मैंने सब खाली कर दिया, क्योंकि इन छोटे छोटे सामानों में भी बहुत टाइम लगता है, जमाने में भी टाइम लगा, और फिर वापस आओ तो इनको अपनी जगह पे रखो, तो छोटे छोटे सामान में ना इतना सारा सामान हो जाता है, एक बैग तो इनसे ही बढ़ जाता है पूरा छोटे मोटे सामानों से। तो देखिए ये जो सामान था, एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह थे जो अभी मुझे यूज नहीं हो रहे, वो डब्बे वगैरह आए थे तो वो सब मैं बेड में डाल दे रही हूँ सारा सामान। और ये एक टोस्टर है, ग्रिल वाला टोस्टर, तो ये लिया था तो इसको भी मैं ना डाल दे रही हूँ अभी बेड में। वैसे मेरे पास टोस्टर है लेकिन ये भी आया है तो इसको मैं अभी बेड में डाल दे रही हूँ, बाद में मैं इसको खोल के देखूँगी, अभी टाइम नहीं है। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने बेड में अभी डाल दिया है, नहीं तो बाहर फैला ही रहेगा। तो देखिए मतलब ये साथ में करवा रहे हैं क्योंकि है ना मैं भी परेशान हो जाऊंगी, और परेशान हो भी रही हूँ, मैं कल पूरा दिन सफ़र भी किया था, नींद भी पूरी नहीं हुई है, अलग 4 बजे सो के मैं उठी गई थी, और बीच बीच में घर से भी फ़ोन आ गए थे, मतलब मैं पहुँची हूँ या नहीं, तो मेरी नींद पूरी हुई नहीं है, मेरे को एकदम से थकावट हो रखी है। और ये इधर मंदिर को कर रहे हैं क्लीन क्योंकि जिस दिन हम गए थे दिवाली वाले दिन, तो दिवाली पूजा ये करके गए थे यहाँ पर, माला वाला करके पूरी जो दिवाली पूजा होती है उस तरह से हम यहाँ पर भी करके गए थे, क्योंकि हम रहते तो यहाँ पर भी है तो पूजा तो यहाँ पर भी बनती थी, तो यहाँ पूरा करके गए थे। और देखिए लाइट चली गई थी पर तो मंदिर इन्होंने साफ़ कर दिया है क्योंकि फूल वगैरह 15 दिन में एकदम सूख गए थे, मच्छर हो जाते हैं, तो फिर पूरा मंदिर इन्होंने क्लीन कर दिया। और ट्रॉली को मैं अभी ऐसे कैसे रख दे रही हूँ, ट्रॉली को मैंने खाली नहीं किया है, पूरा सामान जो कपड़े वगैरह हैं वो ट्रॉली में ही रखे हैं। तो अभी मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू और मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, और बाकी सामान छोटा मोटा जो सामान था वो जगह पे सेट कर दिया है, ड्रेसिंग का सामान ड्रेसिंग में, बाथरूम का सामान बाथरूम में, ब्रश शैम्पू वगैरह थे जो सब सेट कर दिए हैं बस। और ये अपना कुछ काम कर रहे हैं, गार्बी अपनी बुक्स वगैरह लेके बैठ गई है आते से ही। तो देखिए घर मतलब एकदम साफ़ करके गई थी मैं, एकदम दिवाली की सफाई की थी, और पूरा घर उस दिन मैं 11 बजे निकली थी घर से, एकदम झाड़ू पोछा सारा बर्तन बर्तन कपड़े वपड़े सब अंदर सुखा के और पूरा घर एकदम क्लीन करके गई थी ताकि वापस आऊँ तो एकदम साफ़ मिले मुझे। और फिर देखिए आते से ही काम कितना हो गया, कितना सारा कचरा निकला, वहाँ से सामान आया था पॉलीथीन वगैरह सब, तो कितना कचरा इकट्ठा हो गया, मतलब काम है ना ख़त्म ही नहीं होता है, कितना भी साफ़ करके चले जाओ और साफ़ ही करना पड़ा है मुझे, आके भी साफ़ ही कर रही हूँ। और ये देखो खिड़की में ना इतने सारे मच्छर हो गए थे यहाँ पे, क्योंकि एक दिन पहले धनतेरस को हमने यहाँ लाइट लगाई थी आगे बाहर खिड़की में, तो यहाँ पर वो पूरी रात लाइट जली थी तो उससे मच्छर हो गए थे। और दूसरे दिन मैंने खिड़की को चेक नहीं किया था, बस मैं नीचे से झाड़ू पोछा करके चली गई थी, तो इस पर ना बहुत सारे मच्छर हो रखे थे, इसी खिड़की पर हो रखे थे बस और नहीं थे। तो मुझे बाद में याद आया शायद हमने उस दिन लाइटिंग जलाई थी तो उसकी वजह से यहाँ इतने मच्छर हो गए थे। तो देखिए कितना सारा कचरा निकला है, और मतलब वही है कि करते ही जाओ करते ही आओ, करते ही तो मैं गई थी, पूरा काम फिनिश करके तैयार होके गई थी, और आके भी बस मैं यही सब कर रही हूँ, तो काम है ना ऐसा ही है, ख़त्म ही नहीं होता। और अभी तो पता नहीं कितना दिन लगेगा, मतलब एक तो मन नहीं लग रहा है और ऊपर से फिर अभी सामान सेट करने में ही बहुत टाइम लगेगा, अभी कपड़े भी इतने सारे इकट्ठे हो गए जबकि डेली धो लेती थी वहाँ पे, फिर भी है ना धीरे धीरे मैं काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और है ना अभी एकदम से मतलब प्रेस करना, मतलब 2-3 दिन में जाके काम ख़त्म हो गई, वहाँ से आने वाला भी। तो देखिए झाड़ू लग गया है बालकनी का, लगा दे रही हूँ झाड़ू और साथ में ही लगा ले रही हूँ मैं पोछा। और मैं सोच रही थी कि आलू का पराठा मैं बना लेती हूँ, लेकिन है ना वो आलू निकाले थे क्योंकि घर में सिर्फ आलू ही थे और थोड़ा अदरक पड़ा हुआ है, बाकी तो सब मैं फेंक के क्या, मैं अपने ऊपर वाली को दे के चली गई थी सब्जी, मैंने 2 दिन पहले ही इन्होंने मंगाई थी, लेकिन है ना फिर अचानक हमारा टिकट हो गया, जाने का प्लान हो गया, पहले से होता तो मैं सब्जी नहीं बनाती मंगाती, घर पर ही कोई घर की सब्जियाँ ही बना लेती, लेकिन कुछ भी प्लान नहीं था तो फिर सारी सब्जियाँ ना मैं ऊपर दे के गई थी।
और अदरक और आलू बस बचे थे, तो आलू पड़े थे तो मैंने सोचा वो बना लेती हूँ, लेकिन ये फिर मना कर दिए। थोड़े से वो सॉफ्ट सॉफ्ट से हो रहे हैं, तो बोले ख़राब हो रहे हैं, ख़राब हो नहीं रहे हैं लेकिन वो ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं नहीं बनाती हूँ, वो मन में थोड़ा इनको ऐसा लग रहा था, तो मैंने नहीं आलू के पराठे बनाए। और है ना, पोछा मैंने सब जगह का लगा दिया है अभी जल्दी से, क्योंकि एकदम से लेट बहुत हो गया है, 1:30 बज गए। मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख, क्योंकि रात को मुझे वॉमिट हो गया था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी गाड़ी में यहाँ पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गया था 2-3 बार, तो मेरे को एकदम, मैं आके सो गई थी, और अभी मुझे एकदम से बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो हम नहा लिए हैं, मैं रेडी हो गई, तो सब्जी आने में टाइम लगेगा, इसलिए ये फिर बोल रहे हैं कि बाहर ही डोसा वगैरह खा लेते हैं। मेरा डोसा खाने का मन भी कर रहा था, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन से मैंने डोसा ही नहीं खाया है, तो फिर मैंने कहा चलो अपन डोसा खाए आते, क्योंकि अब सब्जी मंगाएंगे, फिर मैं उनको धोऊंगी बनाऊंगी, आने में भी 15-20 मिनट तो लगती है, फिर मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये बोले, गर्वी को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मुझे खुद को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से रेडी आती हूँ, हम बाहर ही चले जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं डोसा खाने बाहर। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, क्योंकि घर पर आलू भी ख़राब हो गए थे, मैं सोची थी आलू का पराठे बना लूँगी, लेकिन आलू भी ख़राब हो गए, फिर ना रेडी हो गए। फिर हमने सोचा कि अभी सब्जी आएगी, बहुत टाइम लगेगा, तो फिर हमें डोसा डोसा वगैरह कुछ खा के आ जाएंगे अभी के लिए, शाम तक तो सब्जी आ जाएगी। और दाल भी क्या पहले वाली ख़त्म हो गई, घर से जो दाल लाई वो साफ़ करनी पड़ेगी, इस वजह से तो बाहर ही डोसा खाने चले जा रहे हैं। हाँ ओके, हाँ सब्जियाँ मैं सारी फेंक गई थी, बस आलू बचे थे वो ख़राब हो गए, 15 दिन हो गए ना, तो थोड़े ख़राब ख़राब से लग रहे हैं। 15 दिन हो गए, गाड़ी तो गंदी होगी, गाड़ी फ्रेंड खाने आ गए हैं बाहर। गार्बी ने ली इडली और मैंने लिया डोसा और इन्होंने ली नॉर्थ इंडियन थाली। तो बस खाना हमने यही खाया और इसके बाद मैं घर जाके सो गई थी और रात को 9 बजे उठी थी। तो यहीं पर मैं कर देती हूँ इस ब्लॉग का एंड। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।